सो है गाइस, जैसा कि बालवी 3 लॉन्च हो चुका है, इसके दो एपिसोड भी टेलीकास्ट हो चुके हैं। वैसे तो हम इसका रिव्यू नहीं करना चाहते, लेकिन कई सारे दर्शक हैं हमारे जो इस पे हमारा रिएक्शन जानना चाहते हैं, हमें बालवी 3 अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा लगा ये पूछ रहे हैं। तो चलिए एपिसोड के बारे में या फिर स्टोरी के बारे में बात नहीं करते, कोई स्पॉइलर नहीं देते हुए अपना रिएक्शन दे देते हैं, और साथ साथ बालवी 3 की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करना हमें आवश्यक है। और हम ये जानते हैं कि हम चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हमारी बातें सुनने के लिए उत्तेजित हैं। सो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हमें समझ नहीं आ रहा कि बालवी 3 के पॉजिटिव पॉइंट्स में हम क्या बोले और निगेटिव में क्या बोले। मतलब ये कि अगर हम खुलकर बोले, साफ शब्द हम बोल रहे हैं कि अगर आप बालवी 3 को एज ए न्यू शो देखेंगे तो आपको इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आएगी, कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट काफी चीजों को पहले से सुधारा गया, VFX भी काफी अच्छे हैं और भी कई सारी चीजों को सुधारा गया पहले से। लेकिन इस तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अगर बालवी 3 को आप एज ए न्यू सीजन देखते हैं तो आपको कई सारी चीजें डिसअपॉइंट कर सकती है। आपका नहीं पता, लेकिन हमें तो करिए पर्सनली। देखिए, इसका दोष भी हम किसी और के ऊपर नहीं डाल रहे, इस सब का कारण जो है एक्सपेक्टेशन होता है। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो ना हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। बालवी 3 अपने पिछले दो सीजन से कितना ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा बदलाव किया गया है, वो तो बालवी 3 के सभी दर्शकों को अब तक पता चल ही जा चुका होगा। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसे देखकर मन में यही ख्याल आता है कि क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, अगर ये नहीं भी किया जाता फिर भी चल सकता था। ऐसे आपको कौन सा बदलाव पसंद नहीं आया वो आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए। पर्सनली हम अपनी बात करें तो हमें एक ही बदलाव है जो सबसे ज्यादा दुख दिया है, सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है, वो है बालवीर के माँ का कैरेक्टर। जब हमने माँ आदिशी का कैरेक्टर को देखा तो हमने सोचा कि क्यों इसके जगह बालपरी को क्यों नहीं रखा गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि परियों को नहीं रखा जा सकता, ऐसे में बच्चे वाली स्टोरी बन जाती है, मैच्योर कंटेंट बनाने इसलिए परियों को हटाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि अगर परियां हो तो इसका जरूरी नहीं है कि वो बच्चे वाली स्टोरी ही हो, क्योंकि अभी कई सारे परियों की कहानी वाली सोच बन रहे हैं, तो वहीं जिसकी कहानी परियों में बेस्ट है उसमें परियां को हटाया जा रहा है। खैर, ये डिफरेंट टॉपिक है। हम जहां तक बालपरी की बात कर रहे थे तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बालपरी को बालपरी के कैरेक्टर में ही वापस लाया जाए। अगर परी को नहीं रखना तो बालपरी का नाम चेंज कर देते, जैसे इस बार माँ आदिशी है तो माँ आदिशी के रोल में ही बालपरी को ले आते, शर्मिली राज को ले आते। ऐसे में होता ये कि पहले के जो दर्शक हैं, जो पहले के सीजन देख चुके हैं, वो ज्यादा कनेक्ट हो पाते। हम ये समझ रहे हैं कि बालवीर मर चुका था, पूरी की पूरी स्टोरी नई बनाई गई है, सब कैरेक्टर नए हैं। लेकिन जब बालवीर वही है तो बालवीर की माँ भी सेम हो सकती है, चाहे अलग यूनिवर्स की कहानी हो, माँ अलग हो, लेकिन उसके एक्टर तो सेम हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं। जैसे आप अतुल वर्मा यानी कि जबदाली की बात करते हैं, बालवीर टर्न्स में जबदाली का रोल किया था एक विलन के रोल में, इस बार भी वो एक विलन है जिसका नाम अंधेर है। दोनों में ही विलन थे लेकिन नाम अलग था। वैसे इस बार भी बालपरी को यानी कि शर्मिली राज को रखा जा सकता था बालवीर की माँ के रोल में, जो अच्छा होता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कॉस्ट्यूम। बालवीर कॉस्ट्यूम के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कॉस्ट्यूम को ज्यादा हमें अच्छा नहीं लगा। वैसे सच बताऊं तो बार बार देखने के कारण या फिर जिस भी कारण से बालवीर कॉस्ट्यूम एपिसोड में देखने में हमें ज्यादा खराब नहीं लगा, ठीक ठाक ही लगा। लेकिन कॉस्ट्यूम्स में कमी तो है, और ये जो कमी है वो हीरो के साइड यानी कि अच्छाई के साथ जो भी लोग हैं उनके कॉस्ट्यूम में ज्यादा देखने को मिला है। जैसे हम माँ आदिशी के कॉस्ट्यूम की बात करें तो उसे कंधे पे ये क्या बड़े बड़े चोंच लगा दिए गए हैं। इस कॉस्ट्यूम को देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, इसके अलावा एक बात है जो हमने पहले भी कही थी और दोबारा कह रहे हैं कि इस बार कॉस्ट्यूम के कलर कोडिंग जो है सही नहीं है। मतलब देखिए, विलन से कॉस्ट्यूम कुछ लाइट रखी गई है और हीरो की कॉस्ट्यूम जो है डार्क कर दिया गया है। वैसे विलन से कॉस्ट्यूम हमें काफी अच्छे लगे सभी के, लेकिन आगे के कॉस्ट्यूम ब्लू रखा गया है, वहीं हीरो की तरफ से जो भी लोग हैं सभी कॉस्ट्यूम ब्राउन रखा गया है। और हाँ, महामहिम उत्तान को कैसे भूल सकते हैं, उत्तान को देखने से हमें लगता ही नहीं है कि ये हीरो का यानी कि बालवीर का मार्गदर्शक है, ये मेंटर कम और विलन ज्यादा लगता है। इसका मेकअप तो देखिए, हीरो से ज्यादा एक विलन के मेकअप ज्यादा लगता है, और कॉस्ट्यूम का तो कुछ कहना ही नहीं है। और खासकर बालवीर के मार्गदर्शक के में ये उत्तान हमें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, इससे अच्छा तो सॉरी था। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं करता था, उसके शक्तियां भी प्रदर्शन ज्यादा नहीं हुई है, और कुछ लोग तो उसे अंदर से विलन मान रहे हैं सॉरी को, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें उत्तान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इससे अच्छा उसे विलन का रोल दे देना चाहिए था। हमारा बस इतना ही कहना है, और हम ये बात दोहरा दें कि एज ए न्यू शो देखे तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है, बट एज ए न्यू सीजन ये चीजें हमें कमी लग रही है। क्योंकि देखिए, बालवीर का सीजन 3 आया है तो कहीं ना कहीं वो यही सोच के साथ आए होंगे कि बालवीर के फैंस इसे देखें, और अगर बालवीर के फैंस इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी ये होगी कि पुरानी चीजों को कहीं न कहीं कनेक्ट किया जाए। और हाँ, हम उनमें से नहीं है कि हम ये कहेंगे कि बालवी ट्रांस बालवी 3 से बेटर था, क्योंकि जो मैंने एक बार कह दिया वो कह दिया, बालवी ट्रांस भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। और इस सब मामलों में ये कहना पड़ेगा कि बाप बाप होता है बालवी, द ओरिजिनल सीरीज सीजन 1 वही बेस्ट था, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद जो भी सीजन आए वो सीजन कम और नया शो ज्यादा लगता है। और इसको सीक्वल कह कौन रहा है, सीक्वल वो होता है जिसमें आगे की कहानी बताया जाए, लेकिन इसकी कहानी क्या है वो भी पता नहीं चल रही। बाकी हम ये तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कि एज ए न्यू शो इसमें कोई भी कमी नहीं है, जो भी न्यू फैंस इसे देखेंगे, नए दर्शक जुड़ेंगे, उसे अच्छा लगेगा। बट हम बालवीर के पुराने फैन के नाते हम ही कह रहे हैं कि ये सब चीजें होती तो और अच्छा होता। बाकी नो हेट टू एनीवन, देखते हैं आगे क्या होता है शो में। सो बस देखते रहिए हर सैटरडे संडे शाम 7 बजे बालवीर 3 सोनी सब पे, सोनी लिप पे। और आपको कैसा लगा बालवीर 3 देखने में, आप कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ घंटे को भी दबा लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।